हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। और आज इस वीडियो में मैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट वन वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ। इसका टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, सरल आवर्त गति। और फ्रेंड्स, ये हमारी यूनिट वन का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने ध्वनिकी का बनाया है और यहाँ मैं आप सबको SHM से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट MCQs कराने वाला हूँ, और वो भी अपने हैंड रिटन नोट्स से। देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का माध्य स्थिति पर वेग क्या होगा। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे। कोई हमारा SHM कर रहा है पेंडुलम, तो जब वो ऊपर की ओर जाएगा U, तो उसका विस्थापन जो होगा, मतलब मान होगा, वो U इज इक्वल टू जीरो होगा। और जब वो उसी स्थिति में वापस आएगा तब उसका मान माध्य में मैक्सिमम होगा, मतलब कि अधिकतम होगा। और जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो फिर उसका मान कम होगा। तो हमें यहाँ पूछ रहा है कि माध्य स्थिति पर क्या होगा, तब हम बताएंगे कि इसका अधिकतम होगा मान। दूसरा क्वेश्चन है, SHM में विस्थापन व त्वरण में संबंध होगा। तो जो संबंध होगा वो होगा त्वरण प्रोपोर्शनल विस्थापन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्त काल दो गुना हो जाएगा जब उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाती है। फ्रेंड्स, इसको फार्मूला से देखते हैं। जो सरल लोलक का आवर्त काल का फार्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल टू 2π√L/g। और हमें यहाँ लंबाई कर दी जाती है, तो हम इसको टी प्रोपोर्शनल एल रखेंगे, क्योंकि हमें लंबाई से मतलब है सिर्फ। तो इसको कंपैरिजन के लिए T1/T2 इज इक्वल टू L1/L2 मानेंगे। फ्रेंड्स, रूट हटाएंगे तो हो जाएगा T1² / T2² इज इक्वल टू L1/L2। हमें यहाँ दिया है क्वेश्चन में, यदि आवर्तकाल दो गुना हो जाए तो हम क्या करेंगे कि दूसरा वाला जो हमारा आवर्तकाल होगा उसको दो गुना कर देंगे। तो T1² / T2² इज इक्वल टू हो जाएगा L1/L2। इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा T1² / T1² इज इक्वल टू L1/L2। तो T1² हमारा कट जाएगा, तो बचेगा 1/4 इज इक्वल टू L1/L2। इसको हम तिरछा गुणा करेंगे तो हमारी जो सेकंड लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी L2 इज इक्वल टू 4L1। यानी कि अगर आवर्तकाल दो गुना करेंगे तो लंबाई 4 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, SHM करते हुए कण की कुल ऊर्जा E है, न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो जो हमारा मान होगा वो होगा 0। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है। तो जो हमारा सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है वो होता है 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, दोलन का आयाम नियत रहता है। तो फ्रेंड्स, जो दोलन का आयाम नियत रहता है वो रहता है मुक्त दोलनों में, अनुनाद में और प्रमोदित दोलनों में, तीनों में रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी लोलक के पिंड का आकार बड़ा कर दिया जाता है उसके दोलन काल पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो जो रहेगा वो अपवर्तित रहेगा। अगला है, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो जो अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल होता है वो होता है 84.6 मिनट। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल लोलक लिफ्ट की छत से बंधा है जिसे A त्वरण से ऊपर जाती हुई लिफ्ट के भीतर दोलन कराया जाता है, इसके आवर्तकाल का व्यंजक होगा। तो होगा वो T = 2π√L/g+a, क्योंकि इसमें त्वरण भी दिया है तो g+a रहेगा। इसके बाद, किसी सरल लोलक का गोलक पारे से भरा खोखला गोला है, यदि आधे पारे को निकाल दिया जाए तो गोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, यदि गोलक के अंदर जो पारा भरा है उसको आधा कर देंगे तो जो उसका आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का साम्य स्थिति यानी कि माध्य स्थिति पर वेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका वेग अधिकतम होगा। इसको मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, अभी मैंने कुल 12 या 13 क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम लोग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।